टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन ग्रोथ सो आई एक्चुअली वी विल सी दैट हाउ बायोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल इफ़ैक्ट इम्प्रूव और डिसप्रूव द ह्यूमन डिवेलपमेंट एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इन द स्मूथ रन ऑफ द ह्यूमन डिवेलपमेंट बायोलॉजिकल जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं कि वो किस तरह से एक ह्यूमन डिवेलपमेंट को अफेक्ट करते हैं तो उसमें हेरीडिटरी फैक्टर्स जो हैं हमारी मुराद उनसे है कि इंसान जो है वो अपने जीन्स जो है वो हेरीडिट्री में जो लेके आता है उन जीन्स में उसकी तमाम जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी फ़िज़िकल इमोशनल कॉग्निटिव ये सारी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हेरीडिट्री जो है फैक्टर से बिलोंग करती हैं अब इसके जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आते हैं उसकी पर्सनालिटी पे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब हेरिडिटरी फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान की पूरी जो पर्सनालिटी है उसकी जो पूरी डेवलपमेंट है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होती है अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं ये जीन्स में तो एक चीज़ आ जाती है एक हमारी एक मिसकनसप्शन भी है कि हम ये कहते हैं कि जो हमारी जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम उनको तब्दील नहीं कर सकते लेकिन इस बहस को जो है हम किसी अगली जो है उसमें टॉपिक में, में ज़रूर डिस्कस करेंगे जब हम इन्वायरमेंट का पार्ट जो है उसके साथ एसोसिएट करेंगे अभी हम जब बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी जो तमाम जो ट्रेट्स हैं इंसान के अंदर आती हैं अपने जीन से अब उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं उसमें इंसान जो है वो अपना पूरी जो फ़िज़िकल बीइंग है वो पूरी जो उसकी पर्सनालिटी का जो फिज़िकल पार्ट है उसके साथ जो उसकी कॉग्निशन का पार्ट है उसके साथ जो उसकी इमोशनल वेल वेलबींग है या इमोशंस जो है ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी पेरेंट्स से जीन्स में लेता है इंटेलिजेंस जो है वो अपने पेरेंट्स से जीन्स में लेता है अब इन सारी चीज़ों को जो है उसने किस तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी में मेंटेन करना है इसके लिए जो है वो पूरी उसके लिए एक अल्लाह ताला ने एक पूरा सिस्टम बनाया है कि किस तरह से इंसान जो है वो अपनी कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है अब यहाँ पर चूँकि हम बायोलॉजिकल इन्फ्लुस की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है कि ये जो इंटरेक्शन है इसका पूरी डिवेलपमेंट जो इसकी होती है इंसान की और उसके ऊपर जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुंस है वो बायोलॉजिकल ल काग्नेटिव सोशो इमोशनल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं सिर्फ जो है बायोलॉजिकली हेरीडिटरी फैक्टर्स जो आते हैं उनकी बिना पर इंसान डेवलप नहीं होता बल्कि उसके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के चलती हैं जिसमें उसकी कागनीशन जो है कि अगर हेरीडिट्री फैक्टर्स जो हैं वो उसने अपने जीन्स में ले लिए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं इसका फैसला जो है वो कोई इंसान ख़ुद से नहीं कर सकता ना हम कह सकते हैं कि इसके पेरेंट्स जो हैं कुछ इस तरह की नॉर्म्स कल्चरल नॉर्म्स हैं कुछ हमारी रिलजस नॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है तो यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं इसमें भी जो आ, उसकी इंप्रूवमेंट होती है इंसान की उसमें डिफरेंस है किस तरह ड्यू टू बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन अब सेल्फ प्रजर्वेशन की जो ख्वाहिश है इंसान की यानी कि वो अपने आप को किस तरह से मेनटेन करना चाहता है ये हर एक में इंडिविजुअली डिफरेंट होने की वजह से ख्वाहिश भी डिफरेंट होती है एक इंसान बहुत देर तक जो है वो कहता है जी मैं एक नब्बे साल की उम्र जो है मुझे मिलनी चाहिए एक इंसान दुनिया से इतना बेजार है और अपने आप से इतना बेजार है वो कहते जी नहीं मैं तो बहुत ही मुख्तर ज़िंदगी चाहता हूँ तो ये दोनों चीज़ें जो उसकी है सेल्फ रिजर्वेशन यानी अपने आप को कितनी देर तक जो है वो चाहता है कि मैं ज़िंदा रहूँ उसी तरह से ये उसकी जो पीछे ट्रेड्स चली आ रही हैं बायोलॉजिकल जीन्स जो हैं खुशगवारीत जो होती है या पॉजिटिवनेस जो होती है ये भी जीन्स में अपने पेरेंट्स से वो लेता है जिस तरह आँख नाक उसका जो है फिज़िकल उसकी हाइट साइज़ तमाम चीज़ें जब अपने पेरेंट्स से वो लेता है जीन्स में तो इसी तरह से जो है इमोशंस इसी तरह से जो है वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है ये भी जीन्स में लेता है तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ये बायोलॉजिकल फैक, फैक्टर्स जो हैं हम कहते हैं कि उसमें आते हैं कि वो किस तरह से एक इंसान का जो दिमाग है उसको कहता है कि तुम अपने आप को बनाओ संवारो तो जब अपने आप को बनाने संवारने को दिल करेगा तो तभी उसकी फिज़िकल बींग जो है वो मोर अट्रैक्टिव होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बॉडी माइंड आर इंटरडिपेंडेंट यानी दोनों जो माइंड से मैसेजेस कन्वे होते हैं और जो एक्शन होता है हमेशा आपका जो है फिजिकली होता है तो माइंड एंड बॉडी जो है ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये मिल मिल कर जो है इंसान की जो है वो ग्रोथ और डिवेलपमेंट को बेटर करता है इसलिए हमें बायोलॉजी के इन्फ्लुंस को इसको समझने के लिए हमें जो तीनों किस्म की जो इसके साथ इंसान की पर्सनैलिटी के जो फोर पार्ट्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि फिज़िकल पार्ट है कोगनेटिव पार्ट है इमोशनल पार्ट है साथ ही हम कहते हैं सोशल पार्ट है तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं यानी इन सब की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है अगर एक बंदा बायोलॉजिकली जो है उसकी ट्रेड्स अच्छी नहीं है तो हो सकता है कि उसको जो है उसके इमोशन उसका मेंटल प्रोसेस जो है वो नॉर्मल हो या वो जो है उसकी खुशगवारीत जो है वो उसको अपनी उन वीकनेस जो उसकी बायोलॉजिकल हैं उसको ओवरकम करने में मदद मिलती है अगर आपका जो माइंड है वो आपकी पॉजिटिविटी कन्वे कर रहा है आपकी तरफ तो बाजू हम अपनी फिजिकल शॉर्ट के ऊपर जो है वो काबू पा सकते हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो अभी हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है इंसान का वो इन तमाम किस्म के फैक्टर्स से मिल इंसान को जो है वो एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी और एक नॉर्मल पर्सनैलिटी की तरफ लेके जाता है